हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बंसीगाल से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर कुमार के जीवनी के बारे में, किस तरह से फिल्मी इंडस्ट्री में आए हैं वो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं। जब उत्तर कुमार सर से एक इंटरव्यू में पूछा गया फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आप आए, तो उत्तर कुमार बोले थे कि हम धर्मेंद्र जी के फिल्मों को देखकर और सोचे, जब ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों, आप लोग इनका जुबानी और बानी सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने धर्म जी की फिल्में देखी थी, तो मुझे बड़ा शौक था कि जैसा ये इंसान है तो मैं भी ऐसा ही बनूं। तो दोस्तों, आप लोग ये छोटा सा उत्तर कुमार का इंटरव्यू देख लिए होंगे, और हम आपको बता दे, इस इंटरव्यू में बहुत कुछ बताए हैं दोस्तों। फिर एक दिन ऐसा भी आया उत्तर कुमार के जीवन में दोस्तों, कि फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने वाले थे, लेकिन उनका उसी बीच एक फिल्म हिट कर गया, और उस फिल्म का नाम है धाकर छोरा, और इस फिल्म ने पूरे हरियाणा फिल्म इंडस्ट्रीज को हिला कर रख दिया। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, बंसिका का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है, और इनका नाम हरियाणा में अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं, जिसका अभी शूटिंग हो रहा है दोस्तों, और उस गाना के नाम है एमए पास। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग सही सुने, आपको जल्दी ही देखने और सुनने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।